फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है। अ सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि इसमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। सेट राइट लेफ्ट साइड पे जो कैपिटल लेटर होता है वो सेट नेम होता है, और इक्वल लेफ्ट साइड पे सेट्स एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम कर्ली ब्रेसिस में लिखते हैं। और इसके अंदर जितने भी मतलब आपके पास मेंबर्स होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। लाइक ए बी सी, तो ए बी एलिमेंट है, बी बी एलिमेंट है और सी बी एलिमेंट है। आर एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट कहलाएंगे। तो डेफिनेशन में आपको मैं बता चुका हूँ। और मेंबर और एलिमेंट्स आपस में क्या इनका रिलेशन हो सकता है? नो, ज़रूरी नहीं है। आप कुछ भी सेट के अनदर डाटा रख सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट्स अनऑर्डर रख सकते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे। लाइक इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पर दी गई है। सेट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी सी डी। ए बी सी आर एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट्स। एलिमेंट इज सेट नीड हैव नो रिलेशन टू ईच अदर। कोई ज़रूरत नहीं है कि इनका रिलेशन हो आपस में। देखिए, एस वन सेट है, इसमें 1 2 3 है, ये काउंटिंग है जिसे हम टीजर बोलते हैं, इंटीजर्स हैं। फिर S2 है, इसमें एक नेम है रेड, एक है फार्म हाउस, एक पाई का साइन है और एक -32 वैल्यू है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो हम इसको भी सेट कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इनमें रिलेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास सेट डेफिनेशंस में आ जाता है कि सेट कैन बी कंटेन अदर सेट्स एंड एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कितने हैं एक सेट के अंदर ये बताना है हमने। तो यहाँ पर देख लें, कुछ इस तरह से सेट्स लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितने। S1 के अंदर 1 और 3 और 4 एक एलिमेंट बनेगा, 4 5 ये ब्रैकेट के अंदर हैं, ये एक एलिमेंट बनेगा, 1 2 एंड 3। यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर S2 में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। सेट डू नॉट कंटेन डुप्लीकेट। सेट के अंदर डुप्लीकेट हमारे पास वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर 4 और 4 डुप्लीकेट है, तो नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी, सेट की कार्डिनलिटी वो होती है जितने भी एलिमेंट्स हैं एक सेट की कर्ली ब्रेसिस में, इन एलिमेंट्स को अगर हम काउंट करके बता दें ये सेट की कार्डिनलिटी कहलाती है। लाइक दैट, पहला सेट ए बी और सी 3 एलिमेंट हैं, हम इसको 3 बोलेंगे। दूसरा सेट में हमारे पास ये देखें 2 एलिमेंट्स है, कैसे? ये सब सेट है, एक सेट का सबसेट है, ए और बी एक ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम दो नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये सब ब्रैकेट्स के अंदर है। इसको हम एक काउंट करेंगे और एक सी को काउंट करेंगे, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है। जैसे साइड पे मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि ए और बी हमारे पास, ये देखें मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और सी हमारे पास एक एलिमेंट है, तो ये 2 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये इस तरह हम इसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट इसकी मज़ीद एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। स्लाइड ज़्यादा आगे आ गया हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, सेट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं, और उसमें सेट्स के डिफरेंट सेट्स हैं। एक एम्प्टी सेट है, सिंगल टून सेट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इक्वल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, सब सेट है, प्रॉपर सेट है, सुपर सेट हैं हमारे पास, प्रॉपर सुपर सेट्स हैं, पावर सेट्स हैं। ये काफ़ी सारे मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं सेट्स, लेकिन हम इसमें से सिर्फ वो सेट्स को इस्तेमाल करेंगे जो हमारे यूज़ में आएंगे, हमारे काम आएंगे, जो हम जिनको फर्दर हम यूज़ करेंगे अपनी स्टडी में। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी सेट और सिंगल टोन सेट है। एम्प्टी जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट कहलाता है, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो वो हमारे पास सिंगल टोन एलिमेंट कहलाता है।
सॉरी सेट कहलाता है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वन एलिमेंट है तो सिंगल टोन, और इसमें भी वन एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट कहलाएगा। यहाँ पर ये सिंबल्स भी हमारे पास हैं, इसको कर्ली ब्रेसिस में कुछ ना लिखें तो भी लिखा जा सकता है। फाई के साथ ये वाला जो साइन है इससे भी यूज़ किया जा सकता है, इससे भी, इस सारे के सारे एम्प्टी सेट को रिलेशन को जाहिर करते हैं। सिंगल टोन सेट में वन एलिमेंट होता है, तो देखें ये 1 2 3 लिखा हुआ लेकिन इसके अंदर एक और ब्रैकेट है तो ये एक ही एलिमेंट कहलाएगा, तो ये भी सिंगल टोन एलिमेंट्स है। इसके आंसर भी नेक्स्ट आपको स्लाइड में ही मिल जाएंगे, ये बताया गया है और मैंने इसको डिस्क्राइब भी कर दिया कि इसको सिंगल टोन एलिमेंट क्यों बोला गया है, इसको एम्प्टी सेट क्यों बोला गया है, यानी एलिमेंट नहीं है। अगर एक सेट के अंदर एम्प्टी सेट ही डाल दिया जाए जैसा कि ये आपके पास नज़र आ रहा है तो ये भी सिंगल टोन एलिमेंट कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल टोन जो है सेट है। नेक्स्ट वन हमारे पास देखते हैं कि आपने बताना है कि ये जो सेट ऑफ मेंबरशिप है एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस, कि एक्स जो भी हैं वो एलिमेंट के मेंबर हैं और वो बिलोंग करते हैं एस सेट से, तो ये एस इसका नेम है। तो देखते हैं, थ्री थ्री इज एलिमेंट ऑफ एस सेट, यस वाई, क्योंकि तीन हमारे पास आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है, तो हम कहेंगे जो तीन है वो एलिमेंट है एक सेट का, ठीक है। ए ए एलिमेंट ऑफ दिस सेट, नो वाई, ए पूछा गया लेकिन सेट के एलिमेंट के अंदर ए गिवन नहीं है, ए नहीं लिखा हुआ तो ये एलिमेंट नहीं है, ये फॉल्स है। अब थ्री थ्री पूछा गया है थ्री नंबर क्वेश्चंस में कि क्या ये एलिमेंट है इस सेट का, नो वाई वाई, क्योंकि थ्री अकेला नहीं है, थ्री टू और थ्री के साथ मिलकर बना है, ये एक सेट बनेगा, एक एलिमेंट बनेगा, जबकि यहाँ पर थ्री को पूछा गया तो ये फॉल्स है। एम्प्टी सेट पूछा गया क्या ये एलिमेंट है, नो, एम्प्टी सेट यहाँ पर रिटर्न ही नहीं है तो इस सेट के एलिमेंट्स में, तो ये भी फॉल्स है। तो लास्ट वन एम्प्टी सेट डेफिनेटली आपको सेट्स में भी नज़र आ रहा है तो ये एक एलिमेंट है। इनके आंसर देख लेते हैं, तो देखें पहला ये ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, चौथा भी फॉल्स है, फिफ्थ ट्रू है क्योंकि एलिमेंट एम्प्टी सेट गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी, इसको रोस्टर नोटेशन या सब बिल्डर नोटेशंस बोलते हैं, जिसमें बताया जाता है, जैसे कि आपको कहा जाता है कि नेचुरल नंबर सेट लिखें, तो नेचुरल नंबर तो वन से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आप सेट के अंदर नहीं लिख सकते, तो आप इसको क्या लिखते हो, तो आप इसको रोस्टर नोटेशन में या सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हो कि ऑल नंबर ऑफ रिंग, लाइक इसको इंग्लिश सेंटेंस में भी आप डिफाइन कर सकते हो, ऑल नंबर ऑफ नेचुरल या ऑल नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। सेट का नेम लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और आप लिख देंगे ऑल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, तो ये एक सेट बिल्डर नोटेशन है, तो हमें पता चल जाएगा इस सेट के अंदर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं। इसी तरह रियल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है और ये पॉजिटिव होते हैं और ये इन्फिनिटी तक चलते हैं, और नेचुरल नंबर जो हैं वो रियल, सॉरी रियल नंबर जो हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, इसमें प्लस और माइनस दोनों ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, दोनों ही एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसी तरह प्राइम नंबर जो खुद पे डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर लाइक 2 5 3 7, क्योंकि ये खुद पे डिवाइड होते हैं, 4 नहीं होगा, क्यों, 4 4 पे भी डिवाइड हो जाता है, 2 पे डिवाइड हो जाता है, हम इसको प्राइम नंबर नहीं कहते। तो इस तरह के सेट्स को हम बिल्डर सेट बिल्डिंग नोटेशन में लिखते हैं कि ऑल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ प्राइम नंबर। तो इसी तरह हमारे पास रिलेशनल आ जाते हैं, रिलेशनल नंबर में क्या आ जाते हैं, जिसे हम डिवाइडेड की साइन में लिखते हैं लाइक दैट। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पर देखें अगर हमारे पास एक एलिमेंट है क्यू डिवाइड बाय पी ए, ए भी कोई एलिमेंट्स होंगे, एक 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 ई को भी कोई एलिमेंट्स असाइन किए जाएंगे, ए को भी कोई एलिमेंट्स असाइन किए जाएंगे, लेकिन ए को जीरो के
इक्वल हम असाइन नहीं कर सकते, अगर ज़ीरो को किसी भी वैल्यू पे डिवाइड किया जाए तो वो ज़ीरो कर देती है, तो हम इसको रिलेशनल सेट नहीं बोल सकते, तो इस वजह से खैर इसको नहीं इतना जाना। तो आपको सेट बिल्डर नोटेशंस की एक एग्जांपल बताता चलूँ कि यहाँ पर देखें, एन इज़ द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ज़ीरो टू इन्फिनिटी, एक्स इज़ ए प्राइम नंबर, ये देखें एक्स एक्स बिलो सच डैट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर, कि एक्स जो भी है इसके अंदर प्राइम नंबर एलिमेंट आएंगे, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद पे डिवाइड होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी टाइम तक चल सकते हैं, डैट्स वाई हम एक सेट के अंदर नहीं लिख सकते, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो सेट बिल्डर नोटेशन बन जाते हैं। फिर अब ए यूनियन बी, ए इंटरसेशन बी, ए यूनियन बी क्या है कि एक सेट ए है एक सेट बी है आपके पास, तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर हम लिख देते हैं, तो हमारे पास ए यूनियन बी हो जाता है एक सीक्वेंस फॉर्म में, जो रिपीट होते हैं दोनों में सेम सेम होते हैं, उसको वन टाइम लिखेंगे टू टाइम लिखेंगे, लाइक डैट ए टू हमारे पास ए में भी है, टू हमारे पास बी में भी है, तो हम टू को वन टाइम लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हम कॉमन लेंगे ए सेट में से और बी सेट में जो भी कॉमन और मुश्तरक एलिमेंट्स होंगे हम लिख देंगे उनको, बाकी को छोड़ देंगे। ए माइनस बी, इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम वो एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में ना हो वो निकाल देंगे, बाकी जो सेम सेम होंगे ए और बी के वो निकाल देंगे, जो ए के डिफरेंट बच जाएंगे वो लिख देंगे, बी के नहीं लिखेंगे, हमें कंसर्न नहीं है, हमने ए माइनस बी करना है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी यहाँ नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, ये देखें जी, ये हमारे पास मोर यूनियन और इंटरसेक्शन की हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ़ ए इंटरसेक्शन बी, एम्प्टी सेट है, कैसे है, तो इज ऑल कलेक्शन ऑफ सेट्स ऑफ जितनी भी सेट्स की कलेक्शन हैं और बी को उनको कॉमन करके लिख दें, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बन, कॉमन जो है उनको लिख दें तो वो इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। तो यूनियन में क्या होगा, देखें अब यूनियन लिया गया है, एक सेट वन टू थ्री है एक के अंदर, और एक के अंदर है हमारे पास टू और थ्री, इनको अगर कॉमन करके लिखें तो वन टू टू ऑलरेडी लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखेंगे आंसर में, एंड थ्री, तो ये यूनियन हमारे पास हो जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होगा, इनके जो कॉमन्स हैं वो लिखेंगे, तो ये देखें इंटरसेक्शन ए सेट ए है एक सेट बी है, ए एलिमेंट है वन और टू और बी सेट हैं टू और थ्री, इनमें कॉमन कौन सा है टू, तो हम टू को लिख देंगे, ये इंटरसेक्शन हमारे पास बन जाएगा, ए यूनियन और इंटरसेक्शन। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपसे ग्रुप में करूँगा जब आपका लेक्चर टाइम होगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा समझ लीजिएगा पूछूँगा। अब आ जाते हैं सबसेट क्या होंगे, सबसेट या सुपर सेट्स क्या होंगे, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोला जा रहा है, इसको हम जो लिखते हैं नोटेशंस की फॉर्म में तो वो ये लिखते हैं ए सबसेट बी, इफ क्या होगा कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो बी सेट में भी हैं तो हम इसको कहते हैं ए जो है वो सबसेट है बी का, तो नोटेशंस की फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, आई इज़ ए प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी, कहते हैं कि अगर इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट एम्प्टी सेट, ये किसी भी सेट का एम्प्टी सेट हो सकता है, इज़ द ओनली सेट दैट डज नॉट हैव अ प्रॉपर सेट, एक ऐसा सेट है जिसको हम प्रॉपर सेट नहीं कह सकते, तो इसकी एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि लाइक दैट आपके पास एक सेट है वन टू एंड थ्री, और एक सेट है आपके पास बी, और उसके में एलिमेंट हैं आपके पास टू थ्री फोर फाइव, तो आपने सबसेट बताना है, तो अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं तो वो सबसेट है, देखें अब वन टू थ्री है इसमें ये वन नहीं है तो ये एक ए सबसेट नहीं है बी का, अगर मैं इसमें वन भी ऐड कर दूं वन, अब ये जो ए सेट है ये सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट में भी हैं, लेकिन ए आप देख रहे होंगे कि इसमें एक एक्स्ट्रा भी है, तो हमें इसे कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ ये एलिमेंट देखने हैं, ये सारे के सारे ए सेट एलिमेंट बी सेट में अवेलेबल हैं, तो हम कहेंगे ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, जिसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम पावर सेट की तरफ। पावर सेट क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, हम उसको 2 की पावर में कंसीडर कर देते हैं, तो हमारे पास ये पावर बन जाता है। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको फिर बताता चलूँ कि इसकी छोटी सी एग्जांपल हमारे पास ये है, लाइक डैट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो एक है हमारे पास, एक सेट है 1 और 2, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, आप बड़ी भी कर सकते हो। सेट का नेम है हमारे पास ए। अगर हमने इसकी पावर लेनी है तो एलिमेंट देखें इसके कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। तो इसकी बेस होती है 2, तो 2 की पावर 2 कर देंगे हम। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो हमें पता चलेगा इसकी पावर लेने से कि इसके कितने एलिमेंट्स जो बनेंगे। 2 की पावर 2 किया तो एलिमेंट कितने बनने चाहिए इसके, 4 बनने चाहिए। तो कैसे बनेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका ये भी बता देता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, एक एलिमेंट बनेगा 1, एक बनेगा सॉरी एम्प्टी सेट आएगा इसमें, क्योंकि अभी हमने डिस्क्राइब किया एम्प्टी सेट 1, एक एलिमेंट 1 है इसमें 1 बनेगा, एक एलिमेंट 2 है 2 बनेगा, एंड एक बनेगा 1 और 2। तो टोटल 4 एलिमेंट बनेंगे। 2 को हम रिपीट नहीं करेंगे 1 और 2 के साथ, या 2 2 नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। या 1 1 को रिपीट नहीं करेंगे तो लाइक डैट ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी एक और एग्जाम्पल आपको छोटी सी बताता चलूँ, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल होगी, ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पर एक पावर सेट बताया गया ए और बी का, हमारे पास एलिमेंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं, सबसेट हैं, तो हम देखना है क्या ये है। तो ए और बी सेट हैं तो ए और बी इसकी पावर बन जाएंगे, तो पहला एम्प्टी सेट होगा, दूसरा ए, तीसरा एलिमेंट बी, चौथा ए भी बन जाएंगे, सारे के सारे सब सेट कहलाएंगे इस एलिमेंट के जो हमारे पास, जिसके हमने सेट की पावर ली है, क्योंकि ये इधर भी बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पर भी बिलोंग होंगे, तो एम्प्टी सेट का जो पावर होगी वो एम्प्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो काइंडली स्लाइड नंबर देख लीजिएगा, उस स्लाइड से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, आपके क्वेश्चन के आंसर मैं इंशाल्लाह ग्रुप में ज़रूर दूंगा। और कोशिश करें कि ये लेक्चर सब